हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक पोल डाला है कि मैं चाहता हूं कि एवरी संडे को हम लोग लाइव सेशन रखें जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का होगा, ताकि सभी लोगों को टाइम मिल जाए अपने अपने क्वेश्चन या कोई भी सवाल करना है, कुछ भी पूछना है वो आप टाइप कर देंगे और मैं तुरंत उस लाइव सेशन में उसका जो भी आंसर सही होता है वो दे दूंगा। तो ऐसा हम हर संडे करना चाहते हैं। टाइम मैंने 3 फिक्स किया है, मॉर्निंग का, इवनिंग का और रात का। जो भी जिसको टाइम सुटेबल लगता है वो उस पर वोटिंग कर दे। लेकिन मेन टॉपिक ये नहीं है इस वीडियो का। आपने थंबनेल देखा ही होगा, पहली बार आपको टीम मिली है, पहली बार आपको टीम मिली है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट के जो 1 मंथ होते हैं वो किस तरीके से हैंडल करेंगे, फर्स्ट डे से क्या करेंगे और पूरे महीने आपको क्या करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। क्योंकि जब पहली बार मुझे भी टीम मिली थी तो मैं बहुत परेशान हो गया था, सोच सोच के बहुत परेशान हो गया था। बहुत सारे सीनियर से फोन घुमा दिए थे, बहुत सारी लोगों को फोन घुमाए थे, जबकि मैं टीम हैंडल करते हुए अपने सीनियर को देखता था, सब कुछ पता था कि टीम आएगी तो ऐसे हैंडल करने के लिए। जब एक्चुअल में टीम हैंडलिंग की बारी आती है, जब टीम आती है एज ए मैनेजर, एज ए सेल्स ऑफिसर या किसी भी प्रोफाइल पर, तो हाथ पांव फूल जाते हैं पहली बार में। तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से मैंने किया, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है, इसीलिए जो क्वालिटी की चीजें होंगी वही यहां पर डिस्कशन होगी। अगर आपको और भी डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आगे कोई और वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पहली बार अगर आप टीम हैंडल करने जा रहे हैं, भले आप उसी टीम में थे या कोई नई टीम है या आप उनको जानते भी हैं, तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान रखिए। दो चार जोड़ी अच्छे कपड़े खरीद लीजिए, जूते खरीद लीजिए, क्योंकि अब आप बॉस हैं, अब आप एक लीडर हैं, आप दूसरे को इंस्पायर करेंगे। तो पहला काम, परचेजिंग कर लीजिए, उधार लेकर भी परचेजिंग कर लीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, कपड़े पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज है, पहले ही दिन, एक रात पहले अपना डायरी नोट कर लीजिए कि आपको टीम से क्या क्या चीजें मांगनी है, क्या क्या उन्हें देनी है, क्या क्या गाइडलाइंस बतानी है, क्या क्या चीजें करवानी है। और अगर आपके टीम के मेंबर के नाम भी हैं, आपको पता चल चुका है, तो उनके फोन नंबर क्या है, नाम क्या है, कौन सी टेरिटरी है, कौन से एरिया को कवर करते हैं, और जो जानकारी है किस चीज में वीक है, किस चीज में स्ट्रांग है, पहले से अगर आपको पता है ये नोट कर लीजिए। नहीं तो एक कॉलम बना लीजिए, पहले दिन की जो मीटिंग होगी फिर उसमें नोट करते रहिए। इस तरीके से आप पहले दिन प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरे दिन जाइए बिल्कुल फ्रेंडली, लेकिन फ्रेंडली में आपको एटीट्यूड अपना मैनेजर वाला ही रखना है, ठीक है, मैनेजर वाला ही। ऐसा ना हो कि आपकी टीम आपको लल्लू लाल समझ ले, हिंदी में बताया मैंने। और प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्जिन, रिटेलर से कैसे बात करनी है, होलसेलर से कैसे बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे बात करनी है, एज ए मैनेजर थोड़ा सा एक माइंडसेट बना लें, पॉजिटिव माइंडसेट। पहले दिन आपको सबसे पहले ब्रीफिंग करनी है, इंट्रोडक्शन दोनों लोगों का होगा, ठीक है, आप किस कंपनी से, आप बताइए दूसरे से, दूसरे ने किस किस कंपनी में काम किया, मोटा मोटा आपको पूछना है, ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी प्रोडक्ट पर पकड़ कैसी है, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल कर चुका है, नाम नंबर ये सारी चीजें आदान प्रदान हो जानी चाहिए, चाहे फोन से, चाहे वीडियो कॉलिंग से, चाहे फेस टू फेस। मैं तो कहूंगा कि पहले महीने में फेस टू फेस जरूर मिलें, चाहे सीएनडब पर मिलें, चाहे कहीं भी एक जगह, मेट्रो स्टेशन या कहीं भी ऐसी एरिए में जहां लोग इकट्ठा हो जाएं। अगर आपकी टीम बहुत बड़े एरिया में है तो कुछ कुछ टीम आसपास की इकट्ठी कर करके एक महीने में जरूर मिल लीजिए, फेस टू फेस जरूर मिलना है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक एक लड़के के साथ वर्किंग करनी है। सबसे पहले टाइमिंग का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि जो चीज आप फॉलो करेंगे वही आप अपने
टीम से कह सकते हैं फॉलो करने के लिए। टाइमिंग का बहुत ख्याल रखिए, कब मार्केट में जाना है, कब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, पहले ही फोन करके जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए, रिटेलर से पहले आगे चल के बात करिए, ऑर्डर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले आगे चल के बात कीजिए, ऑर्डर लीजिए, चाहे वो नया हो, ठीक है। आपको वो सारी चीजें पहले करनी है जो आप टीम से कराना चाहते हो, तभी आप एक अच्छे लीडर हो, तभी आपका भौकाल बनेगा, इन द सेंस कि आप एक अच्छे मैनेजर की कैटेगरी में आएंगे। इतनी सी चीज करनी है पहले दिन से, जो पहले लड़के के साथ शाम को एनालाइज कीजिए कि आपने अकेले कि क्या गलतियां की हैं आज, क्या क्या चीजें और करनी चाहिए थी, क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए थे, ताकि दूसरे बंदे के साथ कल जब मार्केट करनी है तो वो चीजें सही हो जाएं। ऐसे ही दूसरे दिन एनालाइज कीजिए, तीसरे दिन एनालाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि मार्केट में जाएं तो आपके सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में कुछ ना कुछ बिकना चाहिए। ऐसा ना हो एक दो चीजें ही बल्क में बेच के आए, जो बिकने वाली नहीं चीजें हैं, कम बिकती हैं, उसकी भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर लेना है। मार्केट में टाइम ज्यादा लगाइए, पहले दिन आने की कोशिश मत कीजिए, नई दुकानों को एक्सप्लोर कीजिए, अगर कम दुकानें हैं, कम टाइम में हो गई हैं, तो और ज्यादा मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, दूसरी मार्केट में भी घुस सकते हैं, उसका ऑर्डर किसी और दिन दे देना। ये सारी चीजें करनी है और शाम को एनालिसिस जरूर करना है, टीम से ब्रीफिंग जरूर करनी है, फोन से, व्हाट्सएप से, लाइव से, जैसे मन करे वैसे ब्रीफिंग जरूर करनी है, सबसे बात करनी है, चाहे रात के 9 बज जाए, कोशिश कीजिए कि 6 से 7 बजे के बीच में ये सारा हो जाए। अगले दिन की प्लानिंग भी साथ में समझाइए, धीरे धीरे आप 8 से 10 दिन आ जाएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा बोलने का, टीम से बात करने का, टीम को आप समझ चुके होंगे, और यही प्रोसीजर आगे करते रहिए। एक एडिशनल चीज और कर सकते हैं कि आपके जो भी मार्केट में सीनियर हैं या अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अच्छे मोटिवेशनल लोग हैं आपके, आप उनसे भी राय ले सकते हैं, उनसे भी टच में रहिए, तो आपको डबल एनर्जी मिलेगी। इस तरीके से जैसे एक महीना होता है फिर आप सारी चीजें अच्छी तरह से कर चुके होते हैं और आपकी एक अच्छी छवि बनी होती है। मार्केट में टाइम से जाना, रिटेलर से आगे चढ़ के बात करना, होलसेलर से आगे चढ़ के बात करना, मार्केट में पूरी मार्केट करना, टाइमिंग करना, एक्स्ट्रा मार्केट को एक्सप्लोर करना, अपने टीम मेंबर के सामने बॉस से बात करनी है आपको, फोन से बात कर रहे हैं, टीम से बात कर रहे हैं, पोलाइटली और अकॉर्डिंग टू नियम में बात करिए, पॉजिटिव होके, गाली गलौज नहीं करनी, ठीक है। ये चीज करिए तो आप एक अच्छे मैनेजर साबित होंगे, आगे चल के टीम आपके कंट्रोल में रहेगी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हर दिन करके आएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलेगी अगले दिन और अच्छा करने की। इसी तरह से आप एक अच्छे टीम हैंडलर बन सकते हैं, टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं, पहली बार कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से पूछेंगे तो दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज, हर कोई नई नई चीजें बताएगा, कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, तो ज्यादा लोगों से पूछना भी नहीं है आपको, इस तरीके से आप टीम हैंडल कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और संडे लाइव जो हम आएंगे उसके बारे में जो भी चीज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली है वो आप वोटिंग जरूर करें, टाइम बता दें, तो हर संडे मिलेंगे ताकि आपकी बल्ले बल्ले हो जाए मार्केट में और कुछ चीजें आपको मिलें अच्छी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए।